स्वागत है आपका रिंदर्टीन जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। बागम पुलिस ने चोरी के मामले में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद किया गया है। चोरी के सामान को कबाड़ी के यहां बेच दिया गया था, सामान भी बरामद। पापुर के केसर के खेतों में जंगली ट्यूलिप का नजारा। जंगली ट्यूलिप सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले पर्यटक इस नजारे को देखकर खुश हो जाते हैं। करगिल में यूटी स्तर का मुशायरा। कला संस्कृति अकादमी लद्दाख करगिल ने मुशायरे का आयोजन किया। कुछ कवियों ने डल झील और उसकी सुंदरता के बारे में कविताएं पढ़ी। त्राल के दीदारपुरा गुर्जर बस्ती क्षेत्र में संचार मार्ग नहीं होने से लोग थे परेशान। पिछले महीने ग्रामीण विकास विभाग ने क्षेत्र के लिए एक लिंक रोड पर निर्माण कार्य शुरू किया था। पुल का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। लोगों ने एलजी प्रशासन को धन्यवाद दिया। विश्वविद्यालय समन्वय शिखर सम्मेलन वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी नीलोफर जान मुख्य अतिथि थी। जलवायु परिवर्तन और भविष्य की विश्व व्यवस्था पर एक पैनल चर्चा। कश्मीर में बसंत अपने शबाब पर। सरसों के खेतों में खिले फूल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। पर्यटक सरसों के खेतों में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। लद्दाख कला संस्कृति और भाषा अकादमी कारगिल द्वारा आयोजित साहित्य सम्मेलन। प्रमुख कवि इतिहासकार विद्वान बुद्धिजीवी और लेखक उपस्थित थे। पुंछ जिले की मंडी तहसील के सावचियां मंडी सड़क पर एक बाइक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उप जिला अस्पताल मंडी पहुंचाया। जिला उधमपुर के ड्राउन डोमेन इलाके में एक मिनी बस के पलट जाने से 6 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल उधमपुर पहुंचाया गया। टर्मर के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में बिजली आपूर्ति नहीं होने से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। डीडीसी टर्मर तजम्मुल अशफाक मीर ने एसडीएम गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन के साथ नवनिर्मित 10 मेगावाट सब स्टेशन को जनता को समर्पित किया। कृषि विभाग की तरफ से आरएसपुरा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मिलेट्स यानी मोटे अनाज के होने वाले फायदों के बारे में लोगों को बताया गया। सरपंचों पंचों के साथ साथ क्षेत्र के किसानों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एवं एनरोलमेंट ड्राइव के तहत जोनल शिक्षा अधिकारी आरएसपुरा की तरफ से सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आए हुए लोगों को सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए आरएसपुरा में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को जागरूक किया गया। इस दौरान जागरूक रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और सरकारी डिग्री कॉलेज के बच्चों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा संग्राम पोस्ट करीब स्थित पीर बाबा गज पीर की मजार पर 30 मार्च को विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए सीमा सुरक्षा बल और पीर बाबा कमेटी की तरफ से किए जाने वाले प्रबंधों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गांधरबल में एक नुक्कड़ नाटक शो का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न कलाकारों ने भाग लिया और स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम देखा। कलाकारों और विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को नशे की लत से बचने का संदेश दिया। राजौरी के डांगरी आतंकी हमले की पीड़ितों की आरोपियों को जल्द दी जाए सजा। नाराज पीड़ितों ने सरकार द्वारा भेजी मदद को लेने से किया इनकार। शोपियां में बूथ सशक्तिकरण के लिए भाजपा का ड्राइव। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने लिया हिस्सा। महासचिव सुनील शर्मा का बयान, आगामी चुनाव में भाजपा की होगी जीत। कामयाबी की मिसाल बन रही अस्मा भट्ट। स्थापित किया है अपना भेड़ फार्म। आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित है अस्मा। कहा, बुलंद हौसले हो तो कुछ भी असंभव नहीं। बांडीपुरा में अपनी तरह पहला ऑपरेशन थिएटर स्थापित। भेड़ बकरियों की सर्जरी के लिए कायम किया गया ऑपरेशन थिएटर। बांडीपुरा भेड़ पालन विभाग ने की है पहल। किसानों ने खुशी का किया इजहार।
शिक्षा विभाग के बड़े बड़े दावों की उड़ी धज्जियां। सोनावारी में प्राइमरी स्कूलों में नहीं है कमरे, 3 कमरों में बैठते हैं 120 से ज्यादा बच्चे, बच्चों की शिक्षा हो रही प्रभावित। अभिभावकों का सवाल, कौन है इसका जिम्मेदार। न्यूज 18 JKLH की खबर का असर, कुलगाम नगर परिषद नींद से जगा, फुटपाथ पर से हटाए अवैध कब्जे, ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने की दिखाई गई थी खबर। रेंज पुलिस मुख्यालय जम्मू क्रिकेट टूर्नामेंट का जम्मू में समापन हुआ, ये एक जिला स्तरीय टूर्नामेंट था। टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इस तरह के टूर्नामेंट आयोजित करने का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। SSP अनंतनाग आशीष मिश्रा के निर्देशन पर अनंतनाग पुलिस जिले के दूर दराज इलाकों में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगा रही है। कपरन और कोकरनाग क्षेत्रों में ऐसे शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इन शिविरों में लोगों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रोग्राम के बैनर तले पुंछ पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों और बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। मेंढर में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। DC राजौरी के आदेश के बाद दरहाल तहसीलदार मुमताज इकबाल के निलंबन का लोगों ने स्वागत किया है। DC राजौरी से मुलाकात के दौरान दरहाल के लोगों ने इस कदम की सराहना की। बताया गया कि मुमताज इकबाल ने अपने कार्यकाल में कई अवैध फैसले किए हैं, जिसकी जांच की मांग की जा रही है। मेंढर कस्बे में लोक निर्माण विभाग द्वारा खराब ब्लैक टॉपिंग को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों की शिकायत के बाद SDM मेंढर जहांगीर खान ने सड़क का निरीक्षण किया और लोगों को आश्वासन दिया कि सड़क पर फिर से ब्लैक टॉपिंग की जाए। कठुआ जिले के गैर गांव में रहस्यमयी हालत में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद परिवार ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। परिवार को मौत के पीछे साजिश का शक है। कश्मीर में बसंत का मौसम जोरों पर है। सरसों के खेतों में सरसों की कलियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी रही हैं। विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जाने के साथ साथ पर्यटक सरसों के खेतों का नजारा करने में व्यस्त हैं। सिंथन टॉप पर हिमस्खलन, JCP संचालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जावेद अहमद के रूप में हुई है। सरकारी आवास में टहलते हुए गिर पड़े हिमाचल डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री, सिर पर लगी चोट। IGMC में डॉक्टरों ने सिर पर लगे 2 टांके। आज राज्य सचिवालय में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक, लिए जाएंगे कई अहम फैसले। नौकरियों का पिटारा भी खोल सकती है सरकार। राहुल गांधी के सदस्यता मामले में CM सुक्खू ने चंडीगढ़ से बोला केंद्र पर हमला, सदस्यता रद्द करने के फैसले पर उठाए सवाल, क्षेत्रीय पार्टियों से की एकजुट होने की अपील। राहुल गांधी के मुद्दे पर हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी केंद्र पर बोला हमला, कहा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के तहत फैसले ले रही है केंद्र सरकार, BJP के पास राहुल गांधी के सवालों का नहीं है जवाब, भटकाया जा रहा है लोगों का ध्यान। शिमला शहर में सड़कों की टारिंग के लिए सुक्खू सरकार ने जारी किए 10 करोड़, विधायक हरीश जनार्था ने CM के सामने उठाया था मुद्दा, CM ने मानी मांग। लाहौल स्पीति में दारचा शिंकुला पदम सड़क मार्ग यातायात के लिए फिर से हुआ बहाल, 24 और 25 मार्च को ही बर्फबारी के बाद बंद हो गया था मार्ग। विभाग में आउटसोर्स कर्मी नहीं रखे जाएंगे, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में ये बयान दिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि क्लीन वेज कंपनी के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं होगा। पूर्व सरकार के समय जल शक्ति विभाग में एक विशेष कंपनी के तहत रखे गए थे आउटसोर्स कर्मचारी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले के खिलाफ सोलन में NSUI के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला, इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नगर निगम मंडी ने मंगलवार को के दौरान अपना बजट प्रस्तुत कर दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 मई मंडी नगर निगम के 15 वार्डों में से विभिन्न विकास कार्यों पर 74,52,26,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। कुल्लू के अटल सदन के सभागार में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जरड़ की ओर से वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला परिषद कुल्लू के अध्यक्ष पंकज परमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ऊना में क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय शिमला की ओर से युवाओं को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ डीसी राघव शर्मा ने किया। विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन सदन में गुंजा सेब बागवानों का मुद्दा। वहीं विधायक कुलदीप राठौर ने निजी कंपनी पर सेब खरीद में मनमानी का लगाया आरोप। कहा, किसानों बागवानों का शोषण बंद होना चाहिए। सदन में गुंजा विधायकों के चालान, झंडी के इस्तेमाल और फ्लैश लाइट का मुद्दा। विपक्ष के सवालों पर सीएम सुक्खू ने दिया और कहा कि समिति तैयार करेगी गाइडलाइंस। संसदीय कार्य मंत्री की अगुवाई में कल होगी बैठक। हमीरपुर में भंग हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को 2 महीनों की इकट्ठा सैलरी देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार की ओर से आयोग के ओएसडी को गत दिवस से डीडीओ के अधिकार देने के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। ऊना में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्र सरकार की ओर से उनके विधानसभा क्षेत्र लठियाणी मंदली पुल के लिए 900 करोड़ रुपए की डीपीआर मंजूर करने पर आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण को लेकर लंबे से प्रक्रिया चल रही थी। नूरपुर शिक्षा खंड के वडवार में स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता दिवस मनाया गया, जिसमें 85 प्राथमिक पाठशालाओं ने भाग लिया, जिसमें जिले की 14 स्टार पाठशालाएं भी शामिल रहीं। देहरा के जंगल में एक्सपायरी डेट दवाइयों का जखीरा मिला है। ये दवाइयां बनखंडी से हरिपुर सड़क पर ततहन गांव के जंगल में मिली हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। नालागढ़ के तहत पंजाब कश्मीरपुर मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। यहां एक ही सड़क के निर्माण कार्य के लिए 2-2 बार शुभारंभ किए जा रहे हैं। नूरपुर के छतरौली पंचायत ने सरकारी स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या के तहत पंचायत की ओर से एक अनूठा निर्णय लिया है। पंचायत प्रधान राजेंद्र कुमार ने कहा कि अब पंचायत उन्हीं परिवारों को अनुदान वाली सुविधाएं देंगी जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। सदन में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का मामला भी गरमाया। सीएम सुक्खू ने कहा कि एसडीएम कार्यालय से 5 से 6 किलोमीटर के अंदर खोले जाएंगे स्कूल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर। हिमाचल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच हुई ऑल इंडिया सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर 10 और 11 अप्रैल को होगी मॉक ड्रिल। कोरोना संक्रमण के 126 नए मामले सामने आए हैं। मंडी के धर्मपुर के रहने वाली 21 साल की वंदना में जागी जीने की उम्मीद। 5 लाख की शुरुआती सहायता के साथ सीएम सुक्खू ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। ब्लड कैंसर से जूझ रही है वंदना। हिमाचल में कम बारिश होने से सोलन के किसानों को करीब 22 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। यहां गेहूं, शिमला मिर्च, मटर, टमाटर समेत सभी फसलों को नुकसान हुआ है। हैरानी की बात यह है कि सरकार की ओर से इस पर कोई राहत किसानों को अब तक नहीं मिली है। हमीरपुर में प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने पर बीजेपी नेता नवीन शर्मा ने चुटकी ली है, जिस पर उन्होंने गारंटियों के पूरा न होने पर इसे मात्र वोट लेने की राजनीति बताया है। शिमला में लिफ्ट के करीब एक बड़ा हादसा टल गया। यहां एचआरटीसी की एक बस में अचानक आग लग गई। ये बस पुजारी से पुराना बस स्टैंड आ रही थी और लिफ्ट के समीप बस सवारियों को उतारने के लिए बस रुकी तो इंजन में आग।
लाहौल स्पीति में कोरोना के दस्तक से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से भीड़ वाले इलाकों में मास्क पहनकर चलने की अपील की है। अब तक घाटी में कोरोना संक्रमण के करीब 4 मामले सामने आ चुके हैं। चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि स्वरूप की पूजा हुई। माँ को 5 प्रकार के फूल और गुड़ का भोग लगाया गया। प्रदेश भर में मंदिरों में नजर आई श्रद्धालुओं की भीड़। चंबा मुख्यालय में यातायात की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन से जल्द वाहन पार्किंग बनाए जाने को लेकर गुहार लगाई गई है। सोलन में नवरात्रि के उपलक्ष्य पर यूरो किड्स प्ले स्कूल ने किया फील्ड ट्रिप का आयोजन। इस दौरान स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों ने माता के दिए दर्शन। मंडी का नगर निगम कार्यालय अब सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेगा। कार्यालय परिसर में 6 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं और निगम के आयुक्त कार्यालय को कंट्रोल रूम बनाया गया है। शिमला की फल मंडी में जमकर लात घूंसे चले। यहां 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद एक दूसरे पर लोगों ने ईंट डंडों से हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस ने किसी तरह के मामले को शांत करवाया है। लाहौल स्पीति जिला स्तरीय विभागीय अध्यक्षों एवं जिला स्तरीय समन्वय कमेटी के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रदेश सरकार की ओर से तपेदिक उन्मूलन को लेकर चलाई जा रही विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी गई। कुल्लू में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला परिषद कुल्लू के अध्यक्ष पंकज परमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के नए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मजदूरों और कारीगरों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने बीजेपी की उपलब्धियों का गर्व से जिक्र किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि हम इमरजेंसी के खिलाफ लड़े, 1984 के काले अध्याय को कौन भूल सकता है। भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं एक साथ, विरोधियों पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। कहा, फैसला देने वाली अदालतों पर सवाल उठा रहा विपक्ष। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी सिंह नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा सांसद भी शामिल हुए। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह की घोषणा की गई। सरकार की सभी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। उमेश पाल अपहरण केस में 17 साल बाद फैसला। एमपी कोर्ट ने अतीक सबे 3 को सुनाई उम्र कैद की सजा। केंद्र सरकार ने नकली दवाई बनाने वालों पर कसा शिकंजा। राजस्थान समेत 20 राज्यों में बड़ी कार्रवाई। 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द। अवैध तरीके से मुस्लिम इलाकों में गुटखा तस्करी को लेकर बीजेपी नेता हाजी अरफात शेख ने मुहिम छेड़ दी है। आरोप है कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चों तक ये गुटखा पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम इलाकों में बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आने लगा है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस समेत विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां देश भर में तलाश रही हैं। उसका दिल्ली का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। यह फुटेज 21 मार्च का है। वीडियो डाबड़ी के साई चौक का है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें दिखने वाला व्यक्ति अमृतपाल सिंह है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। लखनऊ हाईवे पर एक तेज रफ्तार वैगनार और सीएनजी रिक्शा के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। इस घटना में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा ट्रॉमा सेंटर के करीब हुआ। राजस्थान में आरटीएच के खिलाफ डॉक्टर्स के आंदोलन पर सरकार सख्त। मरीजों से दुर्व्यवहार पर रद्द होगा रजिस्ट्रेशन। जूनियर रेजिडेंट्स के 1000 नए पद स्वीकृत। वॉक इन इंटरव्यू करने के निर्देश। आरटीएच के खिलाफ कल से सामूहिक अवकाश पर डॉक्टर्स। सीएम ने की काम पर लौटने की अपील। चिकित्सा मंत्री की दो टूक किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा बिल।
आरटीएच बिल के विरोध में चिकित्सकों की हड़ताल के खिलाफ एक वकील ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने चिकित्सकों की हड़ताल को नियम विरुद्ध बताया है। वंदे भारत ट्रेन के आगाज को तैयार, राजस्थान रेलवे से शुरू हुआ ट्रायल, जयपुर रेवाड़ी होते हुए दिल्ली तक का सफर करेगी। चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी आज, मां महागौरी की पूजा अर्चना की तैयारी में जुटे श्रद्धालु, माता के मंदिरों में हुई खास सजावट। झालावाड़ जिले की जिला पुलिस विशेष टीम और जयपुर क्राइम ब्रांच ने एक संयुक्त कार्रवाई कर उड़ीसा से एक ट्रक में भरकर ला रहे 200 किलो अवैध गांजे के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। एक बार फिर दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिए जाने की धमकी का मामला सामने आया है। दौसा जिले के अनंतवाड़ा गांव में दो दिन बाद संजय कुमार महावर की शादी है, लेकिन उससे पहले सोमवार की रात दूल्हे के पिता तुलसीराम कोहली के पास फोन आया और उसे धमकी दी गई कि यदि शादी में घोड़ी पर बिठाकर बिंदोरी निकाली या फिर डीजे बजाया तो अंजाम बुरा होगा। बीकानेर के लुणकसर में उपखंड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20,08,000 के नकली नोट बरामद किए। मध्य प्रदेश में आम लोगों को बिजली का झटका, विद्युत नियामक आयोग ने 1.65% वृद्धि को दी मंजूरी, ऑनलाइन पेमेंट पर छूट का बढ़ा दायरा। छत्तीसगढ़ में घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, इस साल नहीं होगी बिजली की दरों में बढ़ोतरी, जनसुनवाई के बाद नियामक आयोग ने लिया फैसला। भोपाल में जमीन पर कब्जे के विरोध में टंकी पर चढ़ा परिवार, 6 घंटे के बाद पुलिस ने उतारा नीचे, पूर्व सरपंच पर लगाया आरोप। बस्तर संभाग के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा में तेज आंधी के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है।